हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आज वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग बड़ी मशीन यूज करते हैं। आज अम्ब्रेला मशीन के बारे में बात करेंगे। कंपनी आपकी चाहे कोई भी हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे बजाज हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, लेकिन अंत देखें और वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें। आपकी अगर मशीन धागा तोड़ रही है तो बिल्कुल तोड़ना बंद कर देगी। बस आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं धागा तोड़ने के दो मेन कारण। फ्रेंड ध्यान से देखें, ये हमारे पास अम्ब्रेला मशीन है जो कि ब्रदर कंपनी की। आपकी कंपनी चाहे कोई हो, कंपनी से कोई मतलब नहीं। तो मेन प्रॉब्लम जो होती है वो हम आपको बता, चलिए सबसे पहले हम चलाकर दिखाते हैं। आप देती है देखें ध्यान से थोड़ा, चलिए एक बार और चलाकर दिखाते हैं आपको। आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम ना आए धागा तोड़ने की या सिलाई कपड़ा सिकोड़ रही है, ये भी प्रॉब्लम एक होती है। देखें ध्यान से थोड़ा, इस तरीके से धागा तोड़ देती है मशीन। तो ये प्रॉब्लम देख सकते हैं कुछ ज़्यादा परेशान कर रही है मशीन, तो इसे कैसे ठीक करें। देखें ध्यान से, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम मशीन दे रही है, धागा तोड़ रही है बार बार। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं धागा कहाँ से तोड़ती है, ठीक। दो कारण बताएंगे, दोनों ही कारण आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे नंबर वन जो पहला कारण होता है वो होती है हमारी पटरी। देखें पटरी में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तब हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो ध्यान से देखें, सबसे पहली हमारी जो कारण है वो हमारे पटरी है। पटरी में क्या हो जाता है, तब हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो देखें ध्यान से, पटरी में हमारे यहाँ पर स्क्रैच आ जाते हैं। देखें ध्यान से, यहाँ पर स्क्रैच आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्क्रैच आने से क्या होता है कि कभी देखो, जैसे कि कभी सुई लड़ जाए, ठीक है। सुई लड़ने से यहाँ पर क्या होता है, गड्ढे नुमा बन जाते हैं। गड्ढे नुमा बनने से क्या होता है कि जब हमारा धागा होता है, धागा इतना हार्ड होता नहीं है, ठीक है, जितना ये इसके स्क्रैच हैं इतना हार्ड होता नहीं है, ठीक। तो जब धागा निकलता है तो वो धागा इसमें टकरा के या फिर इसमें फंस के धागा मशीन तोड़ने लगती है, ठीक। यही प्रॉब्लम ज़्यादातर हो जाती है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, मान लो ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास चौमुखा पेंचकस हो तो इस तरीके से हम पेंचकस को डाल के और इस तरीके से थोड़ा कर लेंगे, ठीक। इस तरीके से कर लें तो आपकी मशीन 80% चांस है कि आपकी मशीन यहाँ से धागा तोड़ना बंद कर देगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपकी मशीन सही नहीं हो रही है इस तरीके से करने से, तो फिर हमें आप क्या करना है, फिर हमें पटरी को चेंज कर देना, ठीक। ये वाली पटरी है, इसे चेंज कर दें। इस पटरी को चेंज करने से फिर आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक। पहला तो कारण ये हो गया। अब जो दूसरा कारण, मेन कारण क्या है वो चलिए वो समझें, ठीक। तो चलिए इस पटरी को पहले लगा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब हम जो सेकेंड कारण है वो हमारा होता है सेकेंड प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर आती है। तो चलिए इसे पहले क्लोज करते हैं। तो चलिए सेकंड प्रॉब्लम होती है हमारी ये वाली टेंशन। देख सकते हैं, अगर यहाँ से तार अगर ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, हार्ड है, तो फिर हमारी मशीन धागा 100% तोड़ेगी और कपड़ा सिकोड़ेगी भी, ठीक है, दोनों काम करेगी। तो चलिए यहाँ से हम आपको चलाकर दिखाते हैं, इसकी सेटिंग करके दिखाते हैं कि इसके तार को कैसे हम लूज करें। मेन बात बस आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है। जो प्रॉब्लम हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रॉब्लम है सब इसी के कारण आती है, और कोई कारण नहीं है, नया कारण कोई नहीं होता। तो चलिए बस वीडियो को लास्ट तक देखें, अब हम चलाकर दिखाते हैं आपको धीरे। तो ये प्रॉब्लम हमें कहाँ पर सही करनी है, ठीक है, ये बहुत टाइट है अभी, ठीक है, अभी काफ़ी टाइट है, इसकी वजह से भी कपड़ा सिकोड़ने लगती है, जैसे कि इसमें सिकोड़ा। तो एक बार और चलाकर दिखाते हैं कपड़ा सिकोड़ रही है नहीं सिकोड़ रही, ठीक। उसके बाद हम थोड़ा यहाँ से चेंज करके सिस्टम करके दिखाएंगे आपको कि कपड़ा, तो चलिए फ्रेंड वीडियो को ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से देखें कि सिलाई हमारी कैसी हो रही है, फिर हम आपको इसकी सेटिंग चेंज करके दिखाएंगे, तब आप देखना सिलाई कैसी हो रही है। देख सकते हैं अभी कुछ इस तरीके की हो रही है, ठीक, धागा भी तोड़ रही है। तो चलिए हम थोड़ा सेटिंग को चेंज करते हैं, इसका जो ये टाइट है इसे हम थोड़ा ढीला करते हैं। तो यहाँ पर पेंचकस डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, और डालकर थोड़ा इस तरीके से करेंगे, ठीक। चलिए अब आप देखना, अभी तो कपड़ा सिकोड़ रही है, ठीक, लेकिन कुछ टाइम बाद ये सिकोड़ना बिल्कुल बंद कर देगी। देखें ध्यान से, अभी भी धागा तोड़ रही, तो हमें क्या करना है, अभी टाइट है यहाँ से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पेंचकस डालकर इसे थोड़ा और घुमा लेना है। अभी हम इसके पूरी फुल सेटिंग आपको बताएंगे कि ये पेंचकस डाल के घुमाने से कैसे ठीक होगी, और ये हमेशा इस तरीके से हिल रही है ये कैसे सही होगी, सारा कुछ बताएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।
देखें ध्यान से, कुछ अंतर आपको पड़ा, शायद अंतर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से कपड़ा सिकुड़ रही थी, ठीक है, पर यहाँ पर बिल्कुल सही आ रही है। देखें ध्यान से, तो इस तरीके से अब हमारी मशीन धागा भी नहीं तोड़ रही है और कपड़ा भी नहीं सिकुड़ रही है, और ऊपर नीचे सिलाई दोनों तरफ की अच्छी दे रही है, ठीक है। तो देखें, अब धागा तोड़ना भी इसने बंद कर दिया था। अब ये सेटिंग मतलब बिल्कुल हमें एडजस्ट करनी है, यहीं पर बनी रहे मेरी सेटिंग, तो इसके लिए मैं क्या करना। तो ध्यान देखें, अभी ये हिल रही है, अभी शायद फिर यहाँ पर घूम जाएगी या इस तरीके से घूम कर फिर मेरी सेटिंग इस तरीके से खराब हो जाएगी। तो हम इस सेटिंग को कंटिन्यू ऐसा ही रखें, तो इसके लिए मैं क्या करना है, एक बात और ध्यान देखें कि स्प्रिंग हमारे यहाँ पर लटकनी नहीं चाहिए, अगर यहाँ पर चिपक गई तो फिर वहाँ कोई बीमारी रहेगी। तो इतनी ढीली भी ना करें, तो इतना रखें कि इतना ऊपर ना चिपके ना नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से हल्का सा उंगली से टच करके देख लें। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, अब इसे बिल्कुल सेट कैसे करना है जो हमारी यहाँ पर रुकी रहे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये पेचकस दिया गया, ये टापा खोल लेना है, ये वाला टापा खोल कर अलग कर लें। तो चलिए, टापा हमने खोल लिया, अब यहाँ पर देखें एक पेचकस दिया गया, ये वाला पेचकस नहीं, एक पेंच दिया गया ये वाला, ठीक। इस पेंच को हम ढीला टाइट करने से ये हमारी ये सिस्टम कस जाएगा और ढीला निकल भी जाएगा और टाइट भी हो जाएगा यहीं से, ठीक। तो मैं इस तरीके से इस पेंच को टाइट कर लेना यहाँ पर, तो ये फिर घूमने वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और उसके बाद हम इसे कस देते हैं। चलिए, ये पेंच है, पेंच को कस लें। वीडियो कंटिन्यू वॉच करें, आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। ये समस्या सबसे बड़ी होती है, और कपड़ा भी सिकुड़ना बंद कर देगी और सिलाई भी खराब देना बंद करेगी, धागा भी तोड़ना बंद कर देगी, सारी बीमारियां इसकी सब खत्म कर देगी अगर ये सेटिंग आपने सही से कर ली तो। और उसके बाद जो पटरी हमने आपको बताई, पटरी आपको चेंज कर लेना है, पटरी चेंज करने से हमारी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी फिर। और उसके बाद ऑयल जरूर लगा लें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑयल ना लगाएं सूखी सूखी चलाएं, आपको यहाँ पर एक बार ऑयल जरूर लगा लेना। इस तरीके से ऑयल लगा लें तो आपकी मशीन की आधी बीमारी तो ऑयल लगाने से ही दूर हो जाती है। तो चलिए, चलाकर दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं इस तरीके से हमारी मशीन एकदम सिलाई होके देने लगी, कोई दिक्कत नहीं। देखें ध्यान से थोड़ा, कोई प्रॉब्लम अब नहीं दे रही है और सिलाई एकदम बढ़िया दे रही है। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम आए, कमेंट आए, तो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम कमेंट पर ही वीडियो बनाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।